स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हू इज मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मोर मर्सीफुल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने किस तरह डेबिट और क्रेडिट नोट की हमने मतलब अंडरस्टैंडिंग हमने करनी थी लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने देखेंगे कि डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स को हमने मेंटेन किस तरह से करना है, तो मतलब उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इधर ट्रांजेक्शन में जाकर हम अकाउंटिंग वाचर को सिलेक्ट करेंगे। तो अब इधर देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स यहाँ पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पहले ये एक्टिव नहीं थे। तो इधर से हम क्योंकि हम डेबिट नोट को यूज़ करने के बारे में इधर बात नहीं जा रहे हैं, तो इधर हम डेबिट नोट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें इसका जो कोई भी इनवॉइस नंबर होगा, वो जो अगर उसका कोई इनवॉइस नंबर आप रखना चाहते हैं डेबिट नोट का, वो तो आप रख सकते हैं। जैसे हम रखेंगे 56, इसका इनवॉइस नंबर हम रख लेते हैं। उसके बाद उस पार्टिकुलर्स का कंपनी का आप नाम सेलेक्ट करेंगे कि जिसको जिसको आप डेबिट नोट भेजने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो हमने परचेज़ की थी, हमने नोकिया मोबाइल्स कराची से परचेज़ की थी, तो हम नोकिया मोबाइल्स कराची को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे मतलब वो उसकी डिटेल हमसे मांगेगा, तो उसकी डिटेल अगर आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही रहने दे दें। तो इसमें नोकिया मोबाइल कराची के पास जो हमारा बैलेंस है वो मतलब कितना बैलेंस के पास, मतलब 50,000 बैलेंस का है हमारा नोकिया मोबाइल कराची में, क्योंकि हमने 2,50,000 से की इससे हमने परचेज़ की थी। लेकिन हमने क्या किया था कि दो लाख 50,000 की जो परचेज़ की थी, लेकिन 2,00,000 जो था हमने वो हमने इसकी पेमेंट कर दी थी, बैलेंस हमारे पास 50,000 बच गया था। तो इसमें हमने 10 मोबाइल परचेज़ किए थे, 5 हम सेल कर चुके हैं। तो रिज्यूम करते हैं कि जो 5 हमारे पास रह गए उनमें से एक जो है मतलब वो डैमेज है मोबाइल, तो उसको हम वापस करना चाह रहे हैं। तो इधर हम इसमें जो नोकिया मोबाइल कराची में वो उसको हम करना चाह रहे हैं। तो इधर हमारे पास जो एक हमने मोबाइल परचेज़ किया था, एक मोबाइल हम वापस करने जा रहे थे, उसके कीमत हमारे पास 12,000 थी, तो हम 12,000 इधर लिखेंगे, मतलब 12,000 से हम इसको डेबिट करने जा रहे हैं। उसको हम एंटर कर देंगे और वो पूछेंगे मतलब किस अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब किस रेफरेंस के किस इनवॉइस के रेफरेंस के अगेंस्ट आप इसको डेबिट करने जा रहे हैं। तो उसका हम सेलेक्ट करेंगे कि हम इसका जो इनवॉइस नंबर 1, 2, 3 थी इसके अगेंस्ट हम इसको करने जा रहे हैं। तो इसके अमाउंट उसने पूरे दे दी, मतलब 12,000 से करने जा रहे हैं, तो 12,000 इसके अमाउंट उसने पूरे दे दिए। इसको हम जब आगे हम इसको हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो उसकी तो हम इसी में कह रहे हैं कि क्रेडिट हमारी क्या होगी, क्योंकि हमने परचेज इसका क्या परचेज अकाउंट हमारे पास इफेक्ट हो गया। तो इधर हम इसको परचेज को सेलेक्ट करेंगे। तो वो नाम पूछेगा आपसे नेम ऑफ आइटम, आपके आइटम का नेम क्या था। हमारे तो हमारे पास इधर नोकिया 3 था, नोकिया 3 हमारी आइटम थी। तो इसके बाद इसकी मतलब क्वांटिटी आप कितनी मतलब क्वांटिटी थी जो आप इसके सेल करने जा रहे हैं, क्वान्टिटी जो हम जो वापस आप करने जा रहे हैं वो एक मतलब एक हम पीस इसका वापस करने जा रहे हैं। उसके बाद उसकी कीमत 12,000 थी, वो खुद ही दे देगा इसकी कीमत। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम कहेंगे कि बस इसकी नरेशन लिखेंगे, तो हम इधर इसकी नरेशन ये लिख सकते हैं परचेसेस रिटर्न्स सप्लायर्स। उसको हम एंटर करेंगे तो हमसे पूछेंगे मतलब आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो डेबिट नोट की जो ट्रांजेक्शन थी हमारे पास ये हो चुकी है। उसका हम इम्पैक्ट इसमें देखेंगे, तो हमने इसका इम्पैक्ट जाकर देखेंगे जो हमारा परचेजेज अकाउंट था उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, वो हम जाकर देखेंगे कि हमारा जो परचेज अकाउंट था वो मतलब रिड्यूस होना चाहिए। और उसके बाद इसका जाकर हम इम्पैक्ट देखेंगे जो हमारे मोबाइल से क्रॉच था उसमें जाकर इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे। उसके बाद हम अपना इन जो स्टॉक मतलब इन्वेंट्री में इसका जाकर इम्पैक्ट देखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट हम स्टॉक जो सबरी थी इसमें जाकर इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। इसमें हमारे पास जो नोकिया मोबाइल था, नोकिया मोबाइल 3 था, इसमें 10 पीस हमने परचेज़ किए थे और 5 पीस हम सेल कर चुके थे, 5 हमारे पास रहते थे। लेकिन इसमें क्योंकि हमने एक जो पीस हमने वो वापस उसको फिर रिटर्न कर दिया है, तो इसलिए उसके हमारे पास 4 पीसेज इसके हमारे पास बाकी हैं। और जबकि दूसरे सैमसंग मोबाइल का भी हमने पास 5 पीसेज हमारे पास बाकी हैं। और उसमें जाकर इसका इम्पैक्ट हमने इसके लेजर में जाकर देखना है। इधर से हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इधर से हम लेजर को सिलेक्ट करेंगे, इधर से हम मोबाइल सोन कराची को हम मोबाइल नोकिया मोबाइल कराची को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2,50,000 के हमने
इसे टोटल हमने परचेजेस की थी। तो 2 लाख हम पेमेंट कर चुके हैं और इसके बाद हम जो हमारे डेबिट और हमने इसके किया मतलब इसके हम अकाउंट को हमने डेबिट किया है 12,000 से, क्योंकि एक जो मोबाइल था वो हम डेबिट होने की वजह से हम इसको वापस कर रहे हैं। तो इसकी तरह हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस अब 38,000 है। उसके बाद हम अपना परचेसिंग के अकाउंट को जैसे लिखेंगे। अगर परचेसिंग अकाउंट में हमने क्या किया था 2,50,000 से हमारे पास जो परचेसिंग अकाउंट ऑफ डेबिट हो रहा था, क्योंकि हमने इसी 2,50,000 के हमने इसे परचेज की थी। लेकिन क्योंकि इसमें से हम 12,000 हमारी जो परचेज थे वो रिड्यूस हो रही है, तो उसके हम क्रेडिट हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो 12,000 की परचेज थे वो रिड्यूस हो गई है डेबिट नोट के थ्रू। तो इसमें आपने देख लिया कि हमने किस तरह जो हमने जो डेबिट नोट को हमने किस तरह यूज़ करना है, कि जब हम सप्लायर्स को डेबिट नोट के लिए जो हमारे पास सप्लायर होगा उसके लिए इसको हम डेबिट नोट जारी करेंगे, और हमने किस तरह से हमारे जो परचेजेस को रिड्यूस करना है, किस तरह हमने टेली अकाउंट सॉफ्टवेयर में इसको हमने मेनटेन करना है।